బక్రీద్ పండుగ వేడుకలను ఆత్మకూరు పట్టణంలోని ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో సంతోషకరంగా జరుపుకున్నారు. వేకువజామనే స్థానిక ఈద్గాకు చేరుకుని నమాజులు చేశారు. అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. अल्लाह ताला के ताबे इस इमाम के नमाज की नियत एक बात बात सुन लीजिए. नमाज पढ़ता हूँ मैं दो रिकात ईद उल अजहा की वाजिब छह जायद तक. नमाज के बाद हमारे नौजवान बच्चे कपड़े लेकर फिरेंगे. आप हजरात दिल खोल करके उस बच्ची की जिंदगी भरिए. आप हजरात दिल खोल करके मदद कीजिए. ईद उल अजहा की वाजिब छह जायद तक. मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह वक्त है. नमाज ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा इसकी अगर सात तकबीरें होती हैं. पहली तकबीर में हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर नियत बांध लेते हैं. उसके बाद हम सना पढ़ते हैं. जो माफ़ून नमाज में सना पढ़ते हैं वही सना चल रहे हैं. इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा ये खुला हुआ गुनाही है, ये ज़लालत है, ये अंधेरा है, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो है जो चांद को भी बनाया जो रात का ढेर को उजाला कर देता वो खुदा बन जाता. मगर इब्राहिम अलैहि सलाम पर तस्लीम तो सारे लोग पहले सफों में घूम घूम करके मांगना शुरू कर देते हैं. उनसे गुजारिश है कि खुतबा हुए बगैर कोई भी मांगने के लिए खड़े ना हुए. खुतबा होने के बाद जब बयान शुरू